गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने टाटा समूह की नींव रखी, जो आज देश का प्रमुख बड़ा औद्योगिक घराना है, जो दुनिया भर में फैला हुआ है। पनबिजली परियोजना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को जमशेद जी टाटा बहुत अहमियत देते थे। वे एक सफल उद्योगपति और व्यापारी थे। सरकार अब तक कलाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों, संस्थानों और संगठनों के सम्मान में ही सिक्के जारी करती आई है। केंद्र से इस तरह का सम्मान पाने वाले जमशेद जी टाटा पहले उद्योगपति होंगे। सरकार अपनी इस पहल के जरिए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहती है। नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। आप जो रहे छो कमल अने हूँ छू जिगर। हमारा उद्देश्य छे राष्ट्र ने स्नेह, राष्ट्र ने सम्मान। हमारा विशेष कार्यक्रम काल आज अने आवती काल में आपनु स्वागत छे। विश्वभरना उद्योग साहसिकों माटे प्रेरणा स्त्रोत्र, स्वदेशीना पायाना कारीगर, आधुनिक भारतीय अर्थतंत्रना सौथी महत्वपूर्ण बिल्डर, वन मैन प्लानिंग कमीशन जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा, आजे तेमना विषे आपणे वात करीशुं। ज्यारे काममां विचारोमां लीड आपवानी होय अने एवी लीड जे अभिप्रायनी आबोहवा साथे बंध बेसती नथी, ते साची किंमत छे। शारीरिक, मानसिक अने आध्यात्मिक, तेने जे कहो ते जमशेदजी टाटाए जे हिम्मत अने विजन बताव्युं हतुं ते आ हतुं। એવું ખુદ તે વખતના પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુએ કહ્યું હતું। નહેરુ જમશેદજી ટાટાને વન મેન પ્લાનિંગ કમિશન તરીકે પણ ઓળખાવતા હતા। જમશેદજી ટાટા તેમના પ્રારંભિક જીવનમાં વેપારી હતા। તેમણે કપાસ અને આર્યન ઉદ્યોગમાં તેમના ઘણા સાહસો દ્વારા ભારતના વેપારના વિશ્વને બદલી નાખ્યું અને આધુનિક ભારતીય અર્થતંત્રના સૌથી મહત્વપૂર્ણ બિલ્ડરોમાંના એક તરીકે તેઓ ઓળખાયા। આજે તેમના જીવન વિશે વાત કરીશું અને અલગ અલગ તેમના જીવનમાં બનેલી ઘટનાઓ વિશે પણ વાત કરીશું। દર્શક મિત્રો, સૌપ્રથમ જોઈએ તેમના પર એક ડોક્યુમેન્ટરી છે તે। જમશેદજી ટાટા ઉદ્યોગ જગત કે લિયે હંમેશા પ્રેરણા કા સ્રોત રહે હૈ। ઉન્હોને ના સિર્ફ શૂન્ય સે શરૂઆત કી બલ્કિ એક એસે ઔદ્યોગિક ઘરાને કી સ્થાપના ભી કી જો વર્ષો સે વ્યવસાય કે સાથ સાથ नैतिकता का भी ध्यान रखता आ रहा है। अनेकों बार टाटा ग्रुप ने व्यवसायिक लाभ हानि को दरकिनार करते हुए देश और समाज की जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि टाटा कंपनी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आइए टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। जमशेद जी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेर वांजी तथा उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेर वांजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेद जी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस उम्र में ही वे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। जमशेद जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 वर्ष की उम्र तक वे पूरी मेहनत के साथ पिता के कारोबार में हाथ बटाते रहे, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था। इसीलिए अपनी बचत के 21,000 रुपयों की पूंजी के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उद्योगों की शुरुआत। वो दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 1868 में 21,000 रुपयों के साथ उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उसका नाम बदलकर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए उस कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रखा, यानी कि महारानी मिल। 1869 तक टाटा परिवार को एक छोटा व्यापारी समूह समझा जाता था।
इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। उस समय अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही हुआ करती थीं। इसीलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को तीन कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था, रेलवे जंक्शन भी पास ही था, और पानी तथा ईंधन की प्रचुर मात्रा भी यहां पर उपलब्ध थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना की। साल 1874 में जमशेद जी टाटा ने वो कारनामा कर डाला जिसने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। 3 मार्च 1839 गुजरात ना नवसारी में जन्मेला जमशेद जी नुसरवानजी अने जीवनबाई ताताना एकमात्र तेवो पुत्र हता। नुसरवानजी पारसी पादरीओना परिवारना होवा छता तेवो व्यवसाय में हाथ अजमावनार कुळना प्रथम सभ्य बन्या हता। बॉम्बे में एक्सपोर्ट ट्रेडिंगनी फर्म तेमने स्थापी। जमशेदजी ने तेमना पिताની उद्योग साहसिकता कुशलता खूब ज नानी उमरे वारसामां मळी हती। ताताए 1892 માં તેમની મુખ્ય એન્ડોમેન્ટ્સની શરૂઆત સાથે લગભગ 102.4 બિલિયન ડોલરના કુલ દાન દ્વારા 2021ના સદીના હુરુન ફ્રીલાન્સ ટ્રોફીમાં પ્રથમ ક્રમે તેઓ હતા। જમશેદજી તાતા એક ભારતીય અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ હતા, જેમણે ભારતની સૌથી મોટી સમૂહ કંપની તાતા ગ્રુપની સ્થાપના પણ કરી હતી। અનેક મતદાન અને રેકિંગની યાદીઓ દ્વારા છેલ્લી સદીના મહાન પરોપકારી તરીકે તેમનું નામ પણ આગળ છે। જમશેદજી તાતા જમશેદપુર શહેરની સ્થાપના પણ તેમના નામથી થયેલી છે। કેવી રીતે લીધો હતો અંગ્રેજોના અપમાનનો બદલો અને નિર્માણ થયું ભવ્ય તાજ હોટેલનું કાર્ય તેની પણ વાત કરીશું, પરંતુ એક બાયોગ્રાફી જોઈએ। જમશેદજી કે તીન બડે સપને થે, એક લોહા વ સ્ટીલ કંપની ખોલના, દૂસરા विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना तथा तीसरा जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाई। इसके अलावा उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो पूरा करना चाहते थे, और ये था होटल ताजमहल। उनका यह सपना उनके जीते जी ही पूरा हो गया। यह विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4,21,00,000 रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ था। उस समय यह रकम आज के अरबों रुपयों के बराबर थी। मुंबई की शान कहे जाने वाले होटल ताज के निर्माण के पीछे एक कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेद जी टाटा बंबई के सबसे महंगे होटल में गए। दुर्भाग्य से वहां उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक जाने को कह दिया गया था, क्योंकि वे पहले ही भारत में एक शानदार होटल बनाना चाहते थे। ऐसे में इस घटना ने उन्हें उकसाने का काम किया। जमशेद जी टाटा ने तत्काल तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल बनाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट्स मौजूद थीं और अंग्रेज शेफ भी थे। उस समय यह होटल अन्य होटल्स की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत की एक धरोहर है। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था ताकि भारतीय नागरिक भी एक विश्व स्तरीय होटल में प्रवेश कर सकें। बाद के वर्षों में जमशेद जी की तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके चलते 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया था जिस समय केवल यूरोपीय विशेषकर अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी यही नहीं रुके, देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की गई जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयला,
और पानी की सुविधा भी प्राप्त हो। अंततः जमशेद जी ने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां पर वो इस्पात मिल की स्थापना कर सकते थे। आगे चलकर इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। ये शहर भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूमि जिले का हिस्सा है। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले साक्षी नामक एक आदिवासी गांव यहां पर हुआ करता था। यहां की मिट्टी काली होने के कारण यहां का पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बनाया गया, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खड़कई तथा सुवर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नजदीकी के कारण यहां आज के आधुनिक शहर की नींव रखी गई थी। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिमकन और ट्यूब डिवीजन इत्यादि यहां कार्यरत हैं। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 9 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई थी। इससे बंबई की समूची विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के साथ साथ सर जमशेद जी टाटा उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके दुष्परिणामों से अपने देशवासियों, विशेषकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों की चार दीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों और उद्यानों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान करवाई। एक वक्त जमशेद जी टाटा मुंबई ना कालागोड़ा विस्तार में आवेली वॉटसन होटल में गया। जे आ होटल में मात्र गोरा लोगों ने ज प्रवेश आपवामां आवतो होवाथी जमशेद जी ने एंट्री नो इनकार करवामां आव्यो। आ पछी जमशेद जी टाटाए मुंबई में एक भव्य होटल बनावानुं नक्की कर्युं, जेमां दरेक लोको आवी शके। ए जमानामां 4 करोड़ खर्चे एक भव्य होटल उभी करी, जेने आपणे मुंबईनी ताज होटल तरीके ओळखीए छीए। मुंबईमां ताज होटलनो पायो 1898 जमशेदजी टाटाए नाख्यो हतो। तेना निर्माणमां कुल 4 वर्ष लागे अने 16 डिसेम्बर 1902 ना रोज ताज होटलने प्रथम वखत लोको माटे खुल्ली मूकवामां आवी। 1902 ताज होटल मुंबईमां वीज कनेक्शन धरावती प्रथम इमारत हती। ताज होटलनुं संचालन भारतीय आर्किटेक्ट सीताराम खंडेराव वैद्य अने डी एन मिर्जा द्वारा करवामां आव्युं हतुं, જ્યારે તેનું બાંધકામ બ્રિટિશ ઉત્પાદક WA ચેમ્બર્સ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું। તે સમયે ભારતના સમગ્ર હોટેલ ઉદ્યોગમાં એકમાત્ર હોટેલ હતી જેમાં અમેરિકન પંખા, જર્મન શૈલીની સીડીઓ અને તુર્કીશ શૈલીના બાથરૂમ હતા। આ હોટેલ માટે જમશેદજી તાતા પોતે દુનિયાભરમાં ફર્યા હતા અને વિવિધ દેશોમાંથી સામાન લાવ્યો હતો। UK સ્થિત બ્રાન્ડ વેલ્યુ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ દ્વારા મુંબઈ સ્થિત તાજ હોટેલ્સને 2021 વિશ્વની સૌથી મજબૂત હોટેલ બ્રાન્ડ તરીકે ઓળખાવી છે। જોકે તાજ હોટેલ દેશની જ નહીં પરંતુ વિશ્વની શ્રેષ્ઠ હોટેલોમાં સામેલ છે। તાજ હોટેલ્સ એ ટાટા ગ્રુપની ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની લિમિટેડનો એક ભાગ છે। ઇન્ડિયન હોટેલ્સની વિશ્વભરમાં 100થી વધુ હોટેલ્સ છે। કર્મચારીઓના કલ્યાણ માટે હંમેશા તેઓ સંવેદનશીલ હતા, તે પણ આપણે વાત કરીશું। પરંતુ જ્યારે જમશેદજી તાતાની વાત નીકળે ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદનો પણ ઉલ્લેખ કરવો પડે, કારણ કે સ્વામી વિવેકાનંદ અને જમશેદજી તાતા વચ્ચેનો એક સંવાદ જે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શબ્દોમાં સાંભળવો જોઈએ। આવો સાંભળીએ તે સંવાદ। વિવેકાનંદજી, મેં સચ બતાતા હું દોસ્તો, आज के संदर्भ में विवेकानंद जी को देखें, कुछ लोगों को लगता होगा जब मैं कहता हूं मेक इन इंडिया, तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये उसका विरोध करने वाले भी लोग हैं। कुछ कहते हैं नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया चाहिए। ऐसा भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग तो जात-पात भांति भांति की चीजें निकालते हैं। लेकिन जिसको मालूम होगा कि विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा के बीच जो संवाद हुआ, अगर वो संवाद मालूम हुआ
विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा के बीच का जो पत्र व्यवहार है, वो किसी को देखा होगा तो पता चलेगा कि उस समय गुलाम हिंदुस्तान था, तब भी विवेकानंद 30 साल का नौजवान। जमशेद जी पोताना कर्मचारीओना कल्याण माटे पण हमेशा संवेदनशील हता। तेमणे अनुकूल कार्यस्थळ, टूंका कामकाजना कलाको अने प्रोविडेंट फंड अने ग्रेज्युटी जेवा कर्मचारी लाभोनी योजनाओ पण घडी हती। तेमना विजनमां हरियाळी धरावतुं वेल प्लान शहेर पण सामेल हतुं। आ शहेर जे हवे झारखंडमां आवेलुं छे ते तेमनी दृष्टिथी जन्म्युं अने हवे तेने जमशेदपुर कहेवामां आवे छे। ताजमहल होटेल जमशेदजीना हृदयमां विशेष स्थान धरावे छे। तेनी भारतीय ओळखने कारणे शहेरनी होटेलमां प्रवेश न करवामां आव्यो हतो। आनाथी तेमणे भारतीयो माटे एक समान भव्य स्थान बनावानी प्रेरणा पण मळी हती। जमशेदजी ताताની फेम 5 भारतनी आजे सौथी मोटी संस्थाओ छे तेनी पण वात करीशुं। जमशेदजी नुसेरवानजी ताता मात्र परोपकारी ज नहोता, परंतु घणी बधी टोचनी भारतीय संस्थाओ साथे पण તેઓ જોડાયેલા હતા। તેમની પેઢીઓ સીધી રીતે સંકળાયેલી હતી। આ સંસ્થાઓ શ્રેષ્ઠતાનો લાંબો ઇતિહાસ ધરાવે છે, પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખ્યું છે। આવી પ્રખ્યાત 5 સંસ્થાઓ છે, તેના વિશે પણ વાત કરીશું। પરંતુ અત્યારે હાલ આ મહાન ગ્રુપ અને જમશેદજી તાતા હોય કે રતનજી તાતા હોય, તેમના વિશે એલન મસ્ક શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। Well, I think it's a good idea to have affordable cars. I think the problem with something like the Nano, which I think, by the way, I say a problem. I think it's a great idea, and right, exactly. Rotten is a gentleman in the skull and an exactly awesome guy right. All around. All of those I agree with. Yes, it's hard not to. Yeah, exactly. I think where it's going to become challenging in the future is as the price of gasoline rises. The cost of acquiring the car is a much less of an issue than the cost of operating exactly, the car. Right. I think it will exceed the numbers we've seen last year. 144. Oh yeah, sure, absolutely. I think we'll see it start to approach $200 and beyond. By 2010, 11, 12, somewhere in there. I'd say whenever the next boom is. So if let's say the next boom is 4 years from now, it'll be. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ, સ્થાપના 1909. તાતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ, સ્થાપના 1945. તાતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ, તેની સ્થાપના થઈ 1936માં. અને તાતા મેમોરિયલ સેન્ટર, તેની સ્થાપના થઈ 1941. અને નેશનલ સેન્ટર ફોર પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ NCPA, તેની સ્થાપના 1976માં થઈ. આ સંસ્થાઓની સ્થાપના જમશેદજી તાતા દ્વારા સ્થાપિત દોરાબજી તાતા ટ્રસ્ટના સમર્થનથી કરવામાં આવી છે. આ બધી જ સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટ પ્રાંતીય અને કેન્દ્રીય શાસકો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય કરારનું એક કારણ હતું, જેમાં ટકાઉપણું અને શાસનના મજબૂત આધારો ઇનબિલ્ટ હતા. NCPA સિવાયની તમામ સંસ્થા આઝાદી પહેલાંના ભારતમાં અસ્તિત્વમાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આ સંસ્થાઓને સિંચન કરવા માટે ઇતિહાસમાં નિર્ણાયક તબક્કે શ્રેષ્ઠ અને તેજસ્વી લીડર્સ પણ મળ્યા હતા. હોમી બાબા, સતીશ ધવન, એસ પરશુરામન અને જે બાબા તેના પર્યાય હતા. ભારતમાં કેન્સરની સારવાર માટે રેડિયેશન ટ્રીટમેન્ટના નવા યુગની શરૂઆત કરવામાં મદદ માટે પણ અને અણુ ઊર્જા વિભાગના વચ્ચેના સિનર્જીને સાકાર કરવા માટે પણ મહત્વની ભૂમિકાઓ ટાટા ગ્રુપે ભજવેલી છે. દર્શક મિત્રો, ટાટા ગ્રુપની વાત કરતા હોઈએ અને જમશેદજી ટાટાના જીવનની વાત કરતા હોઈએ, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના વિશે એક સંબોધન કર્યું હતું. આવો સાંભળીએ. ઓકે, જીવનની કઈ પહેલો કઈ લો તો કાફી વોલ્યુમ્સ ભી અવેલેબલ હે, લેકિન એક દીર્ઘદ્રષ્ટા વ્યક્તિ કેસે હોતે હે, જેસે જયંતે બતાયા મેક ઇન ઇન્ડિયા વાલી. आज हम क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट इतनी चर्चा कर रही है दुनिया, उस युग में जमशेद जी टाटा एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के समय में कॉन्शियस थे और वो द फर्स्ट पर्सन जिसने हिंदुस्तान को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया था, 72 मेगावाट का मुंबई को बिजली दी.
यानी आज से 125-150 साल पहले ये विचार करना कि भाई समाज को किस चीजों से फायदा होगा, लंबे समय तक कैसे फायदा होगा। आज हम लेबर मूवमेंट की चर्चा करते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चाएं करते हैं, यूनियन की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जिस जमाने में इस सारी मूवमेंट को प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उस समय जमशेद जी की विशेषता थी कि टाटा से जुड़े हुए लोगों का वेलफेयर इनकी प्रायोरिटी थी। उस समय उन्होंने टाटा के एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस की कल्पना की थी, टाटा के एम्प्लॉयज के हेल्थ केयर की व्यवस्था की थी। नॉट ओनली दैट, टाटा के एम्प्लॉयज के विमेन एंड चिल्ड्रन की सुरक्षा, यानी एक एक व्यक्ति जब सर्वांगीण दृष्टि से किसी चीज को देखता है तो वो किस प्रकार से व्यापक परिवेश में चीजों को देखता है और जीवन के काल का बाद भी जो कुछ भी था समाज को वापस दे दिया। आज तो वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्चा आती है कि भी फलाने व्यक्ति रिटायर्ड हो गए तो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दी। जमशेद जी टाटा की चर्चा नहीं होती लेकिन उस जमाने में किया था, और शायद वो अमाउंट आज जो दिया जाता है उसकी तुलना करें तो शायद उनकी वो अमाउंट ज्यादा होगी। पर हम भारत के लोगों की भी एक कमी रही है, कब अपनों की बात जरा कम करते हैं। ये हमारा हमारा एक जेनेटिकल दोष है, वरना यही चीजें हैं हम दुनिया को प्रभावित कर सकते थे। हमारे यहां वो लोग हैं जहां जमशेद जी पैदा हुए थे, हम कह सकते हैं। और जमशेद जी मैं मानता हूं बहुत अच्छे लिसनर रहे होंगे, और इतना ही नहीं वो हवाने से चीजें पकड़ लेते होंगे। जब वे जापान से अमेरिका जा रहे थे तो समुद्री यात्रा के संबंध स्वामी विवेकानंद जी उनके साथ थे 1893 में। विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ, विवेकानंद जी शिकागो के वर्ल्ड रिलीजन क्वार्टर्स में जा रहे थे और जमशेद जी टाटा अपना व्यावसायिक कामों पर ध्यान करने का उनका स्वभाव था तो जरा देखने के लिए जा रहे थे, और वहां विवेकानंद जी ने उनसे जो बातें की, विवेकानंद जी का और जमशेद जी का बहुत ही अच्छा पत्र व्यवहार है। आज भी एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है क्या, और एक सन्यासी और एक उद्योगकार दोनों की वेवलेंथ कितनी मिलती थी, इसका उसमें बड़ा सटीक। जमशेद जी ની માતૃભાષા ગુજરાતી હતી, તેઓ પોતાના પરિવારની પુરોહિત પરંપરા તોડીને બિઝનેસ શરૂ કરનારા પ્રથમ હતા। મુંબઈમાં નિકાસ વેપારીની પેટી તેમણે શરૂ કરી। અન્ય પારસીઓથી વિપરીત જમશેદજી તાતાએ ઔપચારિક પશ્ચિમી શિક્ષણ મેળવ્યું, કારણ કે તેમના માતા પિતાએ જોયું કે તેઓ નાની ઉંમરથી જ વિશેષ માનસિક અંકગણિતમાં માહેર હતા। જો કે તેને વધુ ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે તો તેમને બોમ્બે મોકલવામાં આવ્યા અને 14 વર્ષની ઉંમરે બોમ્બેમાં તેમના પિતા નુસરવાનજી સાથે જોડાયા અને ગ્રીન સ્કોલર સ્નાતકની સમકક્ષનું શિક્ષણ પૂર્ણ કરીને એલ્ફિન્ટન્ટ કોલેજમાં તેમણે પ્રવેશ મેળવ્યો। જ્યારે તેઓ વિદ્યાર્થી હતા અને તેમના લગ્ન હીરાબાઈ ડબ્બુ સાથે થયા। 1858માં બોમ્બેની કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા પછી તેઓ તેમના પિતાની નિકાસ વેપાર પેઢીમાં પણ જોડાયા। જાપાન, ચીન, યુરોપ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તેમની શાખાઓ સ્થાપવામાં મદદ કરી। 1857ના ભારતીય બળવાને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા દબાવવામાં આવ્યો હોવાથી વ્યવસાય શરૂ કરવાને તેનો કોઈ યોગ્ય સમય ન હતો અને તે સમયે અફીણના વેપારથી પરિચિત થવા માટે નિયમિતપણે ચીનનો વેપાર તેઓ કરતા હતા અને એ વખતે પારસીઓની એક નાની વસાહત જે બહારના લોકો માટે ચુસ્તપણે બંધ હતી। તાતા તેમના પુત્રને આ વ્યવસાયનો ભાગ બનાવવા માગતા હતા અને તેથી જ તેમના તેના ધંધા વિશે અને અફીણના વેપારની વિશેની વિગતો જાણવા ચીન મોકલતા હતા। જો કે જ્યારે તાતાએ ચીનની આસપાસનો પ્રવાસ કર્યો ત્યારે તેમને અહેસાસ થયો કે કપાસ ઉદ્યોગમાં તેજી આવી રહી છે
અને તેમાં ઘણો ઉદ્યોગ થવાની અને નફો થવાની તક સમાયેલી છે. લોકલ જ વોકલના હિમાયતી જમશેદજીએ માન્ચેસ્ટર જેવું નરમ કાપડ ભારતમાં કપાસ ઉગાડીને બતાવ્યું તેની પણ વાત કરીશું. પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જમશેદજી વિશે વધુ પણ કહ્યું હતું, તે સાંભળીએ. चलते फिरते भी कोई विचार मिलता था तो विचार इंस्टीट्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना, सस्टेन करने के लिए कैसे मैकेनिज्म डेवलप करना, ये उनकी विशेषता रही. और मुझे भी इस बात का गर्व है कि मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जिस धरती का पारसी समाज का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि पारसी जब सबसे पहले आए तो उद्वाड़ा में आए, गुजरात में आए. और मैं रतन टाटा जी से भी हमेशा कहता रहता था, सहरस को भी कहता रहता हूं कि उदवाड़ा एक ऐसा स्थान है जहां सबसे पहले पारसी कम्युनिटी आई. मैं समझता हूं कि रिलीजियस हार्मोनी का वर्ल्ड कैपिटल बनना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों पहले शायद 600 साल हो गए जब आए ईरान से लोग, तो वहां जिदी राणा करके हिंदू राजा था और वो इनको कोई जरूरी नहीं था इनको स्वीकार करें, स्वागत करें. और दूध के ग्लास की कथा तो प्रचलित है कि उन्होंने भरा हुआ ग्लास भेजा तो पारसी लोग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने उसमें चीनी डाली, शुगर डाली और वापस भेजा. और उन्होंने कहा कि जैसे दूध पर शक्कर मिल जाती वैसे हम मिल जाएंगे. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी, देखिए टॉलरेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और रिस्पेक्ट क्या होता है. टॉलरेंस एक सीमा है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट काफी ऊंचाई की बात है. जीदी राणा के पास ये विषय इन्होंने भेजा कि हम हमारी पवित्र अग्नि लेकर के आए और उस अग्नि को हमें प्रस्थापित करना है, लेकिन हम लोगों की परंपरा और मान्यता है कि उसके 25 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी अन्य धर्मावलंबी वहां आना नहीं चाहिए. जीदी राणा हिंदू थे, हिंदू राजा थे. उन्होंने हुक्म निकाला कि पारसी हमारे मेहमान हैं और जब अपनी धार्मिक पूजा करते हैं तो 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई हिंदू प्रवेश नहीं करेगा. इस देश में ये फिलोसॉफी, इस जहां पर ये मैंने इसलिए कहा कि ये रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ उदवाड़ा है और उसको उस रूप में दुनिया के सामने लाना, ये इसलिए मेरा स्वाभाविक है पारसी समाज चलाता. और मैं कभी एक बात आपके से कितने परिचित है मुझे मालूम नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात वालों को पारसियों ने हंसना सिखाया. वो रुपये पैसे में डूबे हुए रहने वाले बहुत कम लोगों को मानते. ह्यूमर पारसी लाइफ में ह्यूमर इतना गजब का है. गुजराती भाषा के अच्छे से अच्छा जो नाट्य प्रयोग है वो पारसी. જમશેદજી તાતાનું 19 મે 1904 રોજ અવસાન થયું. આજ સુધી તેઓ વિશ્વભરના ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત હતા. આજે જમશેદજી તાતાની વાત કરી ત્યારે તાતા ગ્રુપની સક્સેસ સ્ટોરી પણ જોવી જોઈએ. આવો જોઈએ એક સ્ટોરી. જમશેદજી નુસીરવાનજી ટાટા કે બારે મે હર વો બાત બતાયેંગે જો કે ટાટા ગ્રુપ કે સ્વર્ણિમ ઇતિહાસ કા હિસ્સા રહી હૈ. जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था. उनके पिताजी का नाम नौशेरवान जी था और उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था. जब जमशेद जी बहुत छोटी उम्र के थे तभी उनके पिता अपने परिवार को लेकर बॉम्बे चले आए. बॉम्बे आने का मकसद व्यापार शुरू करना ही था. जमशेद जी के पिता ने व्यापार की नींव रखी और जमशेद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया. जमशेद जी टाटा ने अल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया. वो पढ़ने में इतने होशियार थे कि डिग्री खत्म होने के बाद अल्फिंस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी पूरी फीस वापस कर दी.
जमशेद जी इतने तेज तर्रार थे कि वो पढ़ाई करने के साथ ही 14 साल की उम्र से ही व्यापार करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। 16 साल की आयु में 10 साल की हीराबाई दबू से विवाह कर लिया। इसके बाद वे 1858 में कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। जब वो अपने व्यापार के क्षेत्र में उतरे तो उस समय उनके आगे चुनौतियां बहुत थीं। देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर दौड़ पड़ी थी और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर दिया था। इस वक्त भारतीय व्यापारियों के लिए भी काफी मुश्किल होने लगी थी। 21 साल की आयु तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया, जिसका नाम अलेक्जेंडर रख दिया गया। इस कारखाने से उन्होंने मुनाफा कमाया और फिर 2 साल के बाद उन्होंने इसे बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में साल 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया, जिसे उन्होंने एम्प्रेस मिल नाम दिया। यहीं से जमशेद जी के इतिहास रचने वाली दास्तान की शुरुआत हुई। कॉटन मिल में उत्पादित किए हुए कपड़े सिर्फ भारत में ही उपयोग नहीं किए जाते थे, बल्कि उन्हें विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, जिनमें जापान, कोरिया, चीन और मध्य पूर्व के कई देश शामिल थे। उनकी इस कॉटन मिल में बनने वाले कपड़ों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती थी कि इसे हर जगह सराहा जाता था। टाटा के इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा क्वालिटी पर और अपने ग्राहकों की खुशी पर ध्यान दिया है। बाद में एम्प्रेस मिल को ही स्वदेशी मिल के नाम से जाना जाने लगा। एशिया में अपने उद्योग में विशाल सफलता हासिल करने के बाद जमशेद जी टाटा यूरोप की यात्रा पर चले गए, लेकिन वहाँ उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करने के बाद वो इंग्लैंड में अपने करीबियों के व्यापार को बढ़ाने में लग गए। इसी वक्त उन्होंने लंदन में भारतीय बैंक भी खोला, लेकिन ये उनका निर्णय गलत साबित हुआ। जिस समय टाटा ने ये निर्णय लिया था, वो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए सही समय नहीं था। भारत आर्थिक कमजोरियों से होकर गुजर रहा था और इसका सीधा असर टाटा के व्यवसाय पर पड़ा। टाटा ग्रुप को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसका मुख्य कारण भारतीय बैंक का असफल होना माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान को हार मानना नहीं आता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कुछ ऐसे ही थे जमशेद जी टाटा, जो व्यापार मुनाफा कमाने के लिए तो जरूर करते थे, लेकिन किसी का बुरा करके उन्हें मुनाफा कमाना कतई मंजूर नहीं था। यूरोप में असफल रहने के बाद वो फिर से भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी स्वदेशी मिल को बढ़ाना शुरू किया। इस मिल में काम करने वाले हर कर्मचारी को उन्होंने इसका मालिक होने का अनुभव दिया। अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। इस वजह से उनके कर्मचारी भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते थे। टाटा ने सफलता को कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी सफलता में सभी को भागीदारी भी दी। वो देशभक्त भी थे। मुंबई में स्थित ताज होटल उनकी इसी देशभक्ति का सबूत देता है, जिसकी कहानी शायद आप लोगों को पता होगी। हुआ यूं कि एक यूरोपीय होटल के गेट पर टाटा ने ये लिखा देखा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्तों और भारतीयों का इस होटल में प्रवेश वर्जित है। भारतीयों के इस अपमान का बदला लेने के लिए ही टाटा ने साल 1903 में तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके आलिशान ताज होटल का निर्माण करवाया और उन्होंने इस होटल में अंग्रेजों के प्रवेश पर रोक लगा दी। जमशेद जी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है, इसीलिए वो देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहते थे। जमशेद जी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है, इसीलिए वो देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम करते थे। जमशेद जी ने अपने रहते ही स्टील प्लांट बनाने का सपना देख लिया था, हालांकि उनके जीते जी ये सपना सच नहीं हो सका। साल 1904 में उन्होंने जर्मनी में रहते हुए आखिरी सांस ली। भले ही जमशेद जी टाटा की मौत 19 मई साल 1904 में हो गई, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज आज भी टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर लेकर खड़ा हुआ है। आज टाटा ग्रुप नमक से लेकर ट्रक तक हर बिजनेस में अपना परचम लहरा रहा है। गुलामी के वक्त भी उद्योग जगत में भारत को दुनिया भर में अपनी पहचान दिलाने में टाटा का अमूल्य योगदान। दर्शक मित्रों, बिजनेस साहसिको आजे पण 21वीं सदी में सफलताना शिखरो हासिल करवा माटे जमशेद जी टाटाना मार्ग ने अनुसरी रहा छे। तेमना अवसान पछी टाटा जूथना अनुगामी तेमना बे पुत्रों दोराबजी अने रतनजी बन्या अने टाटा कंपनी विश्वनी सौथी मोटी अने सौथी प्रख्यात कंपनीओमांनी एक आजे तेमनी एक नामना अलग छे। तेमना द्वारा नाखवामां आवेला तमाम पाया तेमना वंशजो द्वारा मजबूत रीते अत्यारे हाल आगळ वधी रह्या छे। तेमना तमाम मुख्य विचारो अने समय साथे वास्तविकतामां पण फेरवाया छे। तेमनुं योगदान एवुं हतुं के झारखंडमां जमशेदपुर शहर आजे टाटा नगर तरीके जाणीतुं।
कारण के आ शहर अनेक सुविधाओं थी भरपूर पण छे। दर्शक मित्रों, आजे वात करी टाटाना स्थापक अने मैनेजमेंट गुरु जमशेदजी टाटानी। आवतीकाले फरीथी एक महान व्यक्ति साथे तेमनी जीवन जर्नी साथे मळीशुं। त्यां सुधी मने रजा आपशो। वंदे मातरम। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को आधुनिक भारतीय उद्योगों का संस्थापक कहा जाता है। उनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने टाटा समूह की नींव रखी, जो आज देश का प्रमुख बड़ा औद्योगिक घराना है, जो दुनिया भर में फैला हुआ है। पनबिजली परियोजना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को जमशेद जी टाटा बहुत अहमियत देते थे। वे एक सफल उद्योगपति और व्यापारी थे। सरकार अब तक कलाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों, संस्थानों और संगठनों के सम्मान में ही सिक्के जारी करती आई है। केंद्र से इस तरह का सम्मान पाने वाले जमशेद जी टाटा पहले उद्योगपति होंगे। सरकार अपनी इस पहल के जरिए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहती है।